अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये एक चूज़ा अंडे से तो निकल आया हुआ है, लेकिन ये बेचारा मरा हुआ है। पता नहीं क्या मसला हुआ इसके साथ कि ये कैसे मर गया है, मुर्गी के पाँव के नीचे आके मर गया या क्या हुआ है। तो ये एक मरा हुआ चूज़ा है दोस्तों, ब्लैक को हमारी कुड़क हो गई है। ये देखें, अब इसने 20 अंडे दिए हैं कुल। 20 में से 4 खा लिए गए थे पहले ही, एक इसने तोड़ दिया, बाकी 15 रह गए हैं। 15 अंडे हम इसके नीचे इंशाल्लाह बिठाएंगे। हमारी चिली और मिली भी अपने पिंजरे में खुश हैं, खुशी से कभी इधर उड़ते हैं, उधर उड़ते हैं, कभी कहीं बैठते हैं। अब ये देखें, ये इसके साथ चिमटी हुई है। अब ये दोनों अपने बर्तन के ऊपर बैठ गए हैं दोस्तों। बर्तन को इन्होंने अपना वॉशरूम भी बना लिया हुआ है। अंदर से इन्होंने उसमें गंदा डाल के बहुत ही गंदा कर दिया हुआ उसे। तो दोस्तों हमारी मुर्गी ने 10 अंडों से बच्चे निकाल लिए हैं। एक अंडा भी मुर्गी के नीचे है, मुर्गी को भी अंदर ही रखा हुआ है। चूज़े बेचारे भूखे थे, इनको दलिया डाला थोड़ा सा और ये खा रहे हैं। अब ये देखें, और कोई बैठ रहा है, कोई उठ रहा है। अभी इतने छोटे हैं कि इनसे उठा ही नहीं जा रहा। एक एक दिन के चूज़े हुए हैं अभी। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। ये देखें, ये बेचारा थक के बैठ गया है। हाँ ये देखें, छोटे छोटे पर और कितने प्यारे प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह ये पूरे 10 निकल आए हैं। ये बेचारा अपने मुंह पे खारिश करने लगा था और साथ ही नीचे गिर गया, इतना कमज़ोर है अभी। बेचारे इतने छोटे हैं, जल्दी थक जाते हैं और बैठ जाते हैं। ये देखें, ये बैठा हुआ है, उठते हैं, फिर आगे पीछे जाते हैं, फिर थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। ये देखें, ये दौड़ के उधर चला गया है, वहाँ पे जाके भी थक के इसने बैठ जाना है। ये देखें माशाल्लाह कितने प्यारे हैं दोस्तों। चूज़े हमारे थक गए हैं सारे, खा पी लिया इन्होंने, जो थोड़ी थोड़ी चूचे मारी हैं नीचे। अब बेचारे थक गए हैं, अब इन्हें इनकी माँ के पास वापस छोड़ने जा रहा हूँ। एक अंडा रह गया जिसमें से अभी तक चूज़ा नहीं निकला, उसके ऊपर मुर्गी को बिठाया हुआ, मुर्गी आराम से बैठी हुई है। अब मैं वापस इन्हें इनकी माँ के पास छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। दोस्तों मैंने मुर्गी के पास ला के अभी चूज़े छोड़े थे, मुर्गी ने उन सबको अपने पनों तले ले लिया है। देखिए सारे के सारे मुर्गी के पनों तले चले गए हैं, वो एक थोड़ा सा नज़र आ रहा है अब। दोस्तों मुर्गी को छोड़ा और चूज़ों को भी, ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 10 हैं। 4 अंडे ख़राब निकले थे, एक बच्चा मर गया था, और 10 निकले हैं। कल ये पूरे हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, आज अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं। रात को पिंजरे को अंदर रखा था, इसके लिए चादर दे दी थी, मौसम ठंडा था, बारिश का था इस वजह से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के सारे ठीक ठाक हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तरबियत हो रही है इनकी, मुर्गी तरबियत कर रही है कैसे खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। इधर चिली मिली भी अपना दाना खाने में मसरूफ हैं दोनों। पहले ये शोर मचा रहे थे जब चूज़ों को छोड़ा है, अब ये आराम से अपना दाना खाने लग गए हैं। छोटे चूज़े भी छोड़े हुए हैं, ये देखें ये भी बाहर आराम से आज़ादी से फिर रहे हैं। आज़ादी बड़ी नेमत है दोस्तों। बाकी चूज़े तो सारे ठीक हैं, लेकिन ये चूज़ा ढीला लग रहा है, ये वाला, ये ढीला लग रहा है। ये भी एक्टिव थोड़ा सा, लेकिन ये आँखें बंद करके खड़ा हो जाता है। 15 अंडे मुर्गी के नीचे रखे थे, 10 चूज़े निकले हैं। अब जो 10 रह गए हैं वो तो अल्लाह करे बड़े हो जाएं, सारे के सारे जवान हो जाएं। ये देखें, ये अलग अलग खड़ा है, दूसरों से पीछे रह जाता है, फिर थोड़ी देर बाद भाग के दूसरों में चला जाता है। पता नहीं इसको नींद आई हुई है, रात को थोड़ी ठंड लग गई है। ये देखें, ये एक्टिव हो गया, अब भाग के चला गया उधर।